क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त सब लोगों को मालूम है कि अब से महज 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए हैं, पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। बीजेपी की तरफ से, और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें, तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है, जब इतनी छोटी, मैडम मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं एएनआई को बाइट दे रहा हूँ, जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर ईडी पहुंची, अभी ये सब जगह खबर चल रही है और आम आदमी पार्टी फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स का रोना रोना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट में कौन गया था? ईडी नहीं गई थी, अरविंद केजरीवाल जी गए थे। और तीनों बातें आज स्पष्ट हुई हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे फर्जी हैं संबंध, दूसरा कहते थे इलीगल हैं संबंध, और तीसरा कहते थे मेरे खिलाफ सबूत नहीं है। तो तीनों बातें आज स्पष्ट होगी हाई कोर्ट के अंदर, फर्जी संबंध नहीं है, इलीगल नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि तुम ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? जब यह कहा गया कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, ईडी ने स्पष्ट तौर पर, ईडी के एडवोकेट ने कहा हां अरविंद केजरीवाल को हम अरेस्ट कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा सबूत दिखाइए। 2:30 बजे लाकर सारे सबूत दिखाए गए और सबूत देखने के बाद हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पर मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हम उनकी अरेस्ट पे स्टे नहीं कर सकते। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अभी तो मोहर लग गई है, कल तक तो तुम कहते थे सबूत नहीं है, अब तो हाई कोर्ट ने सबूत देकर मोहर लगा दी कि तुम करप्ट हो, तुम शराब घोटाले के दोषी हो, तुमने पैसे का लेन देन किया है और तुम्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब जब ईडी वाले घर पहुंच गए तो रोना शुरू कर दिया। अब इंसाफ होगा? अरविंद केजरीवाल जी, जिस संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, कई कविता के साथ मिलकर आपने पॉलिसी बनाई थी और करोड़ों रुपया खाया था, अब तुम्हें भी उनका साथ देना पड़ेगा। तब कहते थे ना ये क्रांतिकारी जेल जाने से डरते नहीं है, अब तुम भी मत डरो। इकट्ठा बना के पॉलिसी ली थी, इकट्ठी बना के पॉलिसी के पैसे खाए थे शराब घोटाले के, और इकट्ठा जेल में भी रहना पड़ेगा।